हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी। तो इसमें आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट टर्म पे हमने चैप्टर 2 तक कम्प्लीट कर लिया था। 2nd चैप्टर कौन सा था आपका? प्राइम एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहां तक आप जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर 3 जो है वो है आपका कॉन्ग्रुएंस। इसमें आप मोस्टली किसके बारे में पढ़ोगे? कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ोगे या फिर इनकी प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशंस, इन सभी के बारे में पढ़ोगे। आपने अलजेब्रा में बीएससी 3rd सेमेस्टर में भी ये थोड़ा सा पढ़ा था पार्ट, वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट यहाँ पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब चैप्टर का नेम है कॉन्ग्रुएंसेस, तो आप क्या करोगे? डेफिनेशन पढ़ोगे कि आप एक्चुअल में ये होता क्या है। तो देखो, डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, कि माना ए और बी क्या है? कोई भी दो इंटीजर है। अब ध्यान रखना, ये आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, बिकॉज प्रॉपर्ली ये तो नहीं कहा कि पॉजिटिव इंटीजर है निगेटिव, सिर्फ ए और बी हमारे पास में कोई भी दो क्या है? इंटीजर्स है। एंड एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और एम क्या है हमारे पास में? पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि एम ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेकिन ए और बी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। सो देन ए सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम इफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम। तो क्या कहा इन्होंने कि ए को आप कॉन्ग्रुएंट कहोगे किसका? बी मॉडुलो एम का। किस कंडीशन में? यदि ए माइनस बी डिविजिबल हो किससे? एम से। तो उस कंडीशन में आपको ए जो आपके पास में नंबर रहेगा उसको कॉन्ग्रुएंट कहोगे किसका? बी मॉडुलो एम का। मॉडुलो आपने पढ़ा है, जैसे कि अभी आपकी जो बुक थी अलजेब्रा वाली, उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, तो वहां पे सॉरी ग्रुप एंड रिंग थ्योरी वाली में, तो वहां पे क्या था? मॉडुलो वाले जो टर्म्स थी उनका यूज होकर के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, वही वाला मॉडुलो यहाँ पे लिया गया है। तो क्या कहा हमने कि यदि ए माइनस बी जो है वो डिविजिबल है किससे? एम से। तो उस कंडीशन में हम ए को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे बी मॉडुलो एम का। और इन केस अगर ए माइनस बी डिविजिबल नहीं है एम से, तो क्या होगा? ए इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। तो आप इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे? देखो, पहले तो देख लो इसको एक्सप्रेस कैसे करोगे, लिखोगे कैसे? ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, और पढ़ोगे भी इसको इसी तरीके से, दिस टर्म इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस टर्म एंड दिस। यानी कि यहाँ पे अगर मान लो 3 होता है, यहाँ पे 4 होता, तो आप क्या कहते? 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। अब ए भी है तो क्या बोलोगे? ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। कब? यहां से इस बी को इधर लेकर क्या हो, तो ए माइनस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो एम। सेम, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। और प्रोनाउंस कैसे करेंगे? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है, क्या है? ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। माइंड में रह जानी चाहिए आपके बात, क्योंकि फिर बाद में आपको कंफ्यूजन होती है किसको कैसे बोलते हैं, ठीक है। वेयर, जहां पर अगर हम एम की बात करें, एम क्या है? कॉन्ग्रुएंस का मॉड्यूलो है, द मॉड्यूलो ऑफ द कॉन्ग्रुएंस। बात करें क्या टर्म हमने ली हुई है? बी। तो बी क्या हो जाएगा? रेसिड्यू हो जाएगा किसका? ए मॉड्यूलो एम का। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, 13 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो एम। ये इसका जो 13 है ये कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मॉड्यूलो एम का। किस कंडीशन में? यदि हमें क्या पता है? ए माइनस बी डिविजिबल हो एम से। तो देखो, ये बी है हमारे पास में, ये 1 इधर की साइड आएगा माइनस 1, यानी कि 13 माइनस 1 जो है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे? यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है एम की, उससे। तो यहाँ पे क्या है वैल्यू? 4। तो 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 12। तो 12 हमारा डिविजिबल होता है 4 से, तो 12 हमारा 4 से डिविजिबल है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 13 इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉडुलो 5। ध्यान रखना, ये हमारे पास में a और b की वैल्यूज है, तो यहाँ पे हम निगेटिव इंटीजर ले सकते हैं, बट m की वैल्यू ऑलवेज कैसी होगी? पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में ही होगी। तो 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉडुलो 5। कब? यदि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। तो ये माइनस 1 है, इधर की साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 1 कितना होगा? 5। तो 5 डिविजिबल होगा 5 से, है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस टर्म इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉडुलो 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये माइनस 0 ही रहेगा, तो 12 डिविजिबल है किससे हमारा? 4 से। तो जब 12 हमारा 4 से डिविजिबल है, तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि दिस टर्म इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस टर्म मॉडुलो 4।
क्लियर है बात। और लास्ट में वही चीज लिखी हुई है, लेकिन इफ एम यदि ए माइनस बी इज डज नॉट डिविजिबल बाय एम, यानी कि यदि ए माइनस बी डिविजिबल नहीं होगा एम से, सो देन ए सेट टू बी इनकॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, तब उस कंडीशन में हम ए को इनकॉन्ग्रुएंट बोलेंगे बी मॉडुलो एम का, ठीक है। और इसको हम एक्सप्रेस किस फॉर्म में करेंगे, जो कॉन्ग्रुएंट वाला साइन है इस पे आप इस तरीके से डज नॉट वाला करके, मतलब एक तरीके से लाइन ड्रॉ कर दोगे, कट कर दोगे इसको, तो ये आपका किसका सिंबल बन जाएगा, इनकॉन्ग्रुएंट का, ठीक है। सो ए इज इनकॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल अगर ले 13 इज इनकॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर 1 आपका इधर जाएगा तो 13 माइनस 1 कितना आएगा 12, क्या 12 आपका 5 से डिविजिबल है, 5 से तो 12 जो होगा वो 5 से तो डिविजिबल होगा ही नहीं, तो जब डिविजिबल ही नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे कि 13 क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट है 1 का, इनकॉन्ग्रुएंट है किस पे, 1 मॉडुलो 5 पर, क्लियर है बात। तो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, नहीं पूछी जाती, बट अगर चैप्टर समझना है तो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट नहीं पता होंगे तो चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर ये स्टेप समझ में आ गए क्या लिखे हुए हैं तो फिर आपको इजी होगा समझने में, ठीक है, नोट कीजिए। देखिएगा नेक्स्ट है सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस, टोटल प्रॉपर्टीज है 7 कॉन्ग्रुएंस की, तो आपको ये सभी याद रखनी है। सब्जेक्टिव वालों को इसलिए याद रखनी है क्योंकि हो सकता है क्वेश्चंस में इनका यूज हो जाए, और ऑब्जेक्टिव वालों को इसलिए याद रखनी है क्योंकि आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुटअप कर सकता है इनसे रिलेटेड, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, सब्जेक्टिव वालों को इनका प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ आपका एग्जाम में आज तक नहीं आया, इस बार भी नहीं आएगा, तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज आपको ध्यान रखनी है। तो लेट ए बी सी एंड डी आर इंटीजर्स, यानी कि हमने एबीसीडी क्या है, कोई भी इंटीजर्स है, एम इज ग्रेटर देन 0, यानी कि एम क्या होता है हमारे पास में, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो कि हमने माना 0 से कैसा है, बड़ा है, इज फिक्स्ड, हमने मान लिया एम जो कि 0 से बड़ा है वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। सो देन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एम, नेक्स्ट है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, जो कि अभी डेफिनेशन में आपको कराया है, यानी कि एक चीज का ध्यान रखना, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एम, ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर सकती है, यानी कि अगर दो वैल्यू हमारी कैसी है, दोनों वैल्यू सेम है, तो उस कंडीशन में ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी, यानी कि ए कॉन्ग्रुएंट होगा ए मॉडुलो एम का। यानी कि एक तरीके से आप ये मान करके चलिए कि यहाँ पे मान लो हमने 12 ले लिया, ठीक है, 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12, और यहाँ पे आप मॉडुलो में कोई भी टर्म ले लीजिए, मान लिया हमने 4 ले लिया या कुछ भी ले लिया, ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कैसे करेगी, देखो 12 में से माइनस करोगे 12 तो क्या आएगा आपके पास में 0, ठीक है, तो 0 ऑलवेज किसी भी टर्म से डिविजिबल होती है, हाँ जी होती है। भाई एक बात बताओ, अगर मैंने आपसे कहा कि 1/0 है तो यही तो इन्फिनिटी होता है, लेकिन 0/1 ये तो हमारे पास में 0 ही होता है, यानी कि 0 हमारे पास में एक ऐसा इंटीजर जो कि क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा किससे, 1 से, 0 जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, डिविजिबल होगा किसी भी अनदर इंटीजर से, तो यही बात ली है। और ध्यान रखना एम इज ग्रेटर देन 0 इन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि एम की वैल्यू हम यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, 0 से बड़ी वैल्यूज होनी चाहिए, निगेटिव में नहीं होनी चाहिए, निगेटिव में तो होंगी नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो हम 0 को छोड़ करके बाकी सभी लेंगे, क्योंकि हमारे पास में अगर ये दोनों टर्म सेम हो गई तो ए माइनस बी की वैल्यू तो ऑलरेडी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अगर हमने ये 0 ले दिया तो फिर तो हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, तो इसीलिए एम की वैल्यू अगर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हम ले रहे हैं तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या करेगी, होल्ड करेगी, ठीक है, तो ये इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई हुई। नेक्स्ट देखिएगा सेकेंड प्रॉपर्टी है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, अभी बताई है, या फिर ऐसे भी हो सकता है बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एम, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, या फिर बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एम, तो उस कंडीशन में ए इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, सी मॉडुलो एम होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉन्ग्रुएंस होगा वो भी आपका क्या करेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन
को सेटिस्फाई करेगा किसमें, सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी में आपको मैंने लास्ट वाले जो चैप्टर था उसी में प्रूफ कराया था कि कॉन्ग्रुएंस जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करता है। क्यों शो करता है, क्योंकि वहां पर ट्रांजिटिविटी, रिफ्लेक्सिविटी और आपकी सिमेट्री तीनों कंडीशन क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो उसी तरीके से कॉन्ग्रुएंस में भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो हम क्या कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंस जो है वो कैसा इक्विवेलेंस रिलेशन है, किस पे, सेट ऑफ इंटीजर्स पे। फिर नेक्स्ट है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम और सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडुलो एम, सो देन ए एक्स प्लस सी वाई किसके इक्वल होगा, बी एक्स प्लस डी वाई मॉडुलो एम के इक्वल होगा। क्या बोला, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम है और सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडुलो एम है, तो ए एक्स प्लस सी वाई किसके इक्वल होगा, बी एक्स प्लस इक्वल नहीं होगा, ए एक्स प्लस सी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एक्स प्लस डी वाई मॉडुलो एम होगा। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम और सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडुलो एम, सो देन ए प्लस सी किसकी, ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी मॉडुलो एम, ऑल्सो ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मॉडुलो एम। ये मल्टीप्लीकेशन के लिए, ये किसके लिए होगी, एडिशन के लिए होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, सो देन ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस सी मॉडुलो एम, अगर ये किसके लिए हमारे पास में ए बी और सी के लिए लेट की हुई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम इम्प्लाइज दैट अगर ए टू द पावर के इज कॉन्ग्रुएंट टू बी टू द पावर के मॉडुलो एम फॉर ऑल, जहां पर सभी के लिए k इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1, यानी कि k की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। लेकिन इफ a टू द पावर k इज इक्वल्स टू a टू द पावर k मॉडुलो m, एक सेकेंड यहां पे देखिएगा सही है गलत ये वाली प्रॉपर्टी में डाउट है। हाँ, ये यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का ही साइन होगा, a इज कॉन्ग्रुएंट टू a टू द पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b टू द पावर k मॉडुलो m, ये किसके लिए होगा, यदि k की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो उस कंडीशन में a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m मे नॉट बी ट्रू, यानी कि ये हमारा ट्रू नहीं होगा। अगर हम कौन सी कंडीशन ले रहे हैं, k इज ग्रेटर देन 2 वाली कंडीशन ले रहे हैं। ध्यान रखना a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, a टू द पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b टू द पावर k मॉडुलो m, किसके लिए, अगर k की वैल्यू या तो 1 है या 1 से बड़ी है। लेकिन a टू द पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b टू द पावर k मॉडुलो m है, किसके लिए, k की पावर अगर ग्रेटर देन 2 है तो तब हम a को कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे b मॉडुलो m का, किस कंडीशन में, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी सत्य नहीं होगी। यानी कि आप ये तो लेकर के चल सकते हो कि इससे ये वाली टर्म, अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 है, लेकिन इससे आप ये नहीं लिख सकते, ये रिजल्ट ट्रू नहीं होगा, किसके लिए, अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट है, जो कि कन्वर्सली हम नहीं लेंगे, सिर्फ ये ही वाली कंडीशन लेकर के चलिए, अगर ये कंडीशन लोगे तो ये ट्रू नहीं होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल ये आपकी 7 प्रॉपर्टीज है जो कि आपको एज इट इज ध्यान रखनी है। कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लेना, नोट कर लीजिए इसको। देखिएगा इसके बाद में एक थ्योरम है जो कि आपकी 2013 में आई है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगर आ जाए तो उसके लिए करा रही हूँ। थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रूफ दैट ए टू द पावर एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड ए माइनस 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन 1, यानी कि आपको प्रूफ करना है कि ये कंडीशन होगी जब ए क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो आप लेकर के क्या चलोगे, ये हमारे पास ए की वैल्यू, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है, बी की। तो एक्चुअल में हमें क्या दिखाना होता है, ए माइनस बी को लेकर के हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इसको इधर लेकर के आओगे तो क्या बनेगा, ए टू द पावर एम माइनस ए। तो हम अपने पास से क्या मानेंगे कि ए टू द पावर एम माइनस ए को अगर हम सोल्व करते हैं तो सोल्व कैसे करोगे, पहले आप यहां से ए कॉमन लोगे, ए बाहर आ जाएगा। तो यहां पे देखो, अगर लिखा हुआ है ए टू द पावर एम माइनस ए, मैं कहूं ए आपको बाहर कॉमन लेना है, तो यहाँ पे ए टू द पावर एन है, तो क्या हम ए टू द पावर एन में प्लस 1 और माइनस 1 नहीं कर सकते, क्या होगा इससे, देखो माइनस ए तो अलग है हमारा, ए टू द पावर एन माइनस 1 हम यहाँ रख सकते हैं इंटू ए टू द पावर 1 हम अलग लिख सकते हैं, क्या होगा, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो n माइनस 1 प्लस 1, फिर से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और प्लस 1 माइनस 1 जीरो, जीरो में n को ऐड करोगे तो n ही आ जाएगा। तो यानी कि इस फंक्शन को मैं ब्रेक कर सकते हैं, तो यहां से क्या होगा कि ये जो a होगा ये हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, ए टू दी पावर n माइनस 1 माइनस साइन, यहां से हमने a बाहर कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, 1। तो यहाँ पे हमारे पास में a अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये वाली टर्म बन जाएगी, ऑल्सो इसमें से आप क्या बाहर लोगे, a माइनस 1। जब आप a माइनस 1 बाहर लोगे तो आपके पास
वाली बनेगी जब आप सॉल्व करोगे। कैसे बनेगी ये वाली सीरीज देखो, यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हो ए की मल्टीप्लाई स्टम में करोगे तो ए की पावर 1 और यहाँ पे पावर कितनी है n माइनस 2, तो सॉल्व करके कितना है ए टू दी पावर n माइनस 1, यानी कि यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। फिर आप इसकी नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो ए टू दी पावर यहाँ पे कितनी है 1 और नेक्स्ट टर्म में कितनी है n माइनस 3, तो सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा ए टू दी पावर n माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब आप इस टर्म किस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस ए टू दी पावर n माइनस 2। इसका मतलब सभी टर्म्स क्या होंगी अपने आप में, जब आप इसकी अंदर वाली टर्म्स में मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी होंगी पॉजिटिव, एंड जब आप इस माइनस वन के टर्म्स में मल्टीप्लाई करते जाओगे तो वही वैल्यूज कैसी आ जाएंगी निगेटिव। तो आपस में सभी टर्म्स क्या हो जाएंगी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे कि अभी यहाँ पे हो गई तो सेम बाकी की सभी टर्म्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपके पास में जो सीरीज निकलेगी वो कुछ इस तरीके से निकलेगी ए टू दी पावर एन माइनस 2 ए टू दी पावर एन माइनस 3 प्लस 1 की पावर एन माइनस 2, क्योंकि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद में आपके पास में ये जो सीरीज बन रही है ना इसको सोल्व करने पे आपको लास्ट में दो ही टर्म बचेंगे, एक तो फर्स्ट टर्म कौन से वाली ए टू दी पावर एन माइनस 1 और एक लास्ट टर्म बचेगी क्या माइनस 1, बाकी सभी टर्म्स जो है वो क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट हो जाएंगी आपस में। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। यहां से हम कह सकते हैं कि जो ए टू दी पावर एन माइनस ए है ये डिविजिबल होगा किससे ए माइनस 1 से। ये हमें कहां से पता चला, इससे जस्ट पहले वाला जब हमने चैप्टर किया था प्राइम नंबर्स वाला तो उसमें कंडीशन आपको बताई थी कोई दो एलिमेंट है अगर वो कोई भी एलिमेंट है अगर वो किसी एक एलिमेंट से डिविजिबल है तो वो उसके मल्टीपल से भी क्या होगा डिविजिबल होगा, ये चीज हम शो करके दिखा देते। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए टू दी पावर एन माइनस ए डिविजिबल होगा इसके कोफिशियंट ए माइनस 1 से, तो यही चीज हमने लिख दी ए टू दी पावर एन माइनस ए इज डिविजिबल बाय ए माइनस 1। और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं कि ए टू दी पावर एन माइनस 1 इज डिविजिबल, ये जो हमारे पास में सिंबल होता है किसको शो करता है इज डिविजिबल बाय फर्स्ट वाली टर्म यानी ए माइनस 1। तो इसको हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखा दिया। सो हम कह सकते हैं अभी मैंने आपको जो कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन लिखाई उसमें मैंने क्या कहा था कि यदि a माइनस बी जो है हमारे पास में वो a माइनस बी जो था अगर ये आपका डिविजिबल हो किससे m से तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, यही बात आपसे कही थी मैंने। तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा यहाँ पे हमने कहा कि दिस टर्म इज डिविजिबल बाय दिस टर्म, सो देन बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस हम क्या कह सकते हैं कि a टू दी पावर m, क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारे पास में a की वैल्यू है तो इसके प्लेस पे तो हमारे पास में क्या लिखा हुआ है देखो a टू दी पावर n लिखा हुआ है, तो a टू दी पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू b, b की वैल्यू क्या है हमारे पास में a, तो b के प्लेस पे कितना पुट कर दिया हमने a मॉडुलो m, m की वैल्यू हमारे पास में क्या है a माइनस 1, तो इसके प्लेस पे कितना आ गया a माइनस 1। ये वाली बात समझ में आ गई आपको, हमने कैसे लिख दिया, हमने कहा ए टू दी पावर एन माइनस ए जो है वो डिविजिबल है ए माइनस 1 से, और जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कॉन्ग्रुएंस की वो हमने क्या पढ़ी थी कि अगर ए माइनस बी डिविजिबल है किससे एम से और एम क्या है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर तो हम कहते हैं ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, तो ये ए की वैल्यू होती है ये बी की वैल्यू होती है तो हम उनका ऐसे लिखते हैं, तो ए की वैल्यू ए टू दी पावर एन, बी की वैल्यू क्या हो गई ए और एम की वैल्यू क्या है ए माइनस 1, तो मोड में क्या आ गया ए माइनस 1 आ गया। ठीक है, ये इसका प्रूफ था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आप क्वेश्चंस करेंगे नोट कीजिए इसको। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एक मैं जरूर पूछा जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है इसी मेथड पे बेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कहा है फाइंड रिमाइंडर, और एक चीज का ध्यान रखना ये वाला चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 3 ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसीलिए इसमें जितना करा रही हूँ उतना कवर कर लेना। मैंने आपको टारगेट दिया है कि 10 नवंबर तक हमें क्या करनी है ये वाली बुक कंप्लीट करनी है। अब ऐसा नहीं है कि हम उसमें छोड़ करके चलेंगे, कवर हमें सब कुछ करना है, प्लस इससे अलग हमें ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा कि जो कि आपसे एग्जाम में पूछा ही ना जाए। ठीक है, तो इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट है वही सभी टॉपिक्स हम कवर करते चलेंगे जो कि आपसे एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी है। तो जो क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में कराऊं ये तो आपको 100% करने हैं, बाकी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उनको खुद से प्रैक्टिस किया कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कहां मिस्टेक हो रही है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस कीजिए। आपसे कहा है कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 20 इज डिवाइडेड बाय 41, यानी कि रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिए जब 2 की पावर 20 डिवाइडेड करेंगे आप किससे
41 से, ठीक है। अगर 2 की पावर 20 को डिवाइड किया जाता है 41 से, तो उस कंडीशन में रिमाइंडर कितना बचना है ये आपको बताना है। अब एक बात बताओ, 2 की पावर 20 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कहां तक चले गए? 20 टाइम्स तक। चलो हम थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। और आपको सोल्व कहां तक करना है? जब तक आपके पास वैल्यू अप्रोक्सीमेट 40 नहीं आ जाती। यहाँ पे देखो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा कितने हो जाएंगे 64। अब एक बात बताइए मुझे, 41 कहां लाई करेगा? इसके बीच में लाई करेगा, यानी कि 64 से तो छोटा होगा, 32 से बड़ा होगा। इसका मतलब हम सिर्फ कहां तक लेंगे पावर? यहां तक। यहां तक आप देखो, 2 की पावर 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर 5 एग्जिस्ट कर रहा है कहां तक? 32 तक। कहां तक लेना है आपको ये नंबर, जो पावर लोगे कहां तक लेनी है? जो भी आपके पास में वैल्यू दी हुई है, किस टर्म से डिवाइड करोगे जब, आपको उससे पहले वाली वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। तो 2 की पावर 5, एक बात बताइए टोटल कितनी है? 20 है, तो 5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, 5 4 20। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिखा इस फॉर्म में? क्योंकि जब हम 2 की पावर 5 करें तो हमारे पास में क्या आ रहा है? 32 आ रहा है, इसलिए। भैया समझ में आ गई बात? देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 20 इज डिवाइडेड बाय 41। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि लेट 2 की पावर 20 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5 की होल पावर 4। इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज 2 की पावर 5 किसकी इक्वल आया हमारे पास में सॉल्व करके? 32 के इक्वल आ गया। सो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 2 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे 2 की पावर 20 चल रहा है, इसके प्लेस में हम 32 पुट कर सकते हैं। इसकी पावर कितनी आ गई? 4 आ गई। एक बात बताइए मुझे, हमें एक्चुअल में इसको दिखाना क्या है कि 2 की पावर 20 डिविजिबल है किससे? 41 से। तो यानी कि हमारे पास में कंडीशन कुछ ये वाली आनी चाहिए, मोड एम वाली। समझ रही बात को? तो यहाँ पे देखो, इस 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास में वैल्यू है 41, 41 से 32 को आप डिवाइड कर दोगे? नहीं होगा डिवाइड, पॉइंट में आएगी वैल्यू। तो आपको क्या लेना है? आप देखोगे 41 से 32 कितना कम है। अगर हम वन टाइम देखें, 41 1 जा कितने होते हैं? 41। तो 41 से 32 कितना कम है? 9 कम है। तो इसलिए आप वैल्यू क्या लोगे? -9 लोगे। क्या लोगे? -9। -9 कब आया? जब हमने 41 से डिवाइड किया किसको? 32 को। ध्यान रखना, आपको वैसे वाला डिवाइड नहीं करना कि 32 से आप डिवाइड कर रहे हो 41 को। आपको अपने माइंड में सोचना है कि अगर हम 41 से डिवाइड करें 32 को, ऐसे नहीं करना आपको। आपको अपने माइंड में सोचना है कि सपोज दैट हमने 41 से 32 को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि 32 से 41 कितना बड़ा है? 9 बड़ा है। इसका मतलब 41 जो है वो आपका जो 41 है वो 9 बड़ा है 32 से। इसका मतलब 32 क्या हो गया? 9 कम हो गया। कम हो गया तो इसलिए आप क्या लोगे? माइनस साइन लोगे। अगर यहाँ पे बड़ा होता, मान लो यहाँ पे 32 की जगह आपका कुछ भी हो जाता, मान लो ये आपका 42 हो जाता है, 43 या 64 कुछ भी हो जाता, तो इस कंडीशन में डिवाइड करने पे आपके पास में रिमाइंडर क्या बचता? 2। तब यहाँ पे आप प्लस का 2 लेते। लेकिन अगर वैल्यू कम है तो आप देखोगे कि उससे ये वाली वैल्यू कितनी बड़ी है, तो जितनी बड़ी होगी वो टर्म माइनस में लिख दोगे। समझ में आ गई ये वाली बात? चलिए अब यहाँ पे देखो, इस 32 की पावर 4 है, तो इस कंप्लीट की पावर क्या लिखोगे आप? 4 लिख दोगे। यहाँ से पावर्स को सेपरेट कीजिए, तो -9 की पावर 4 मॉडुलो 41 आ जाएगा। अब यहां से देखो, -9 की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो? 9 का स्क्वायर इंटू -9 स्क्वायर और -9 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस 9 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 81। मल्टीप्लाई माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 81 इंटू मॉडुलो 41 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, ये 81 है, यहाँ पे भी 81 है, हमें क्या करना है? डिवाइड करना है 41 से। कब तक? जब तक कि आपके पास में स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं आ जाती, आपको सॉल्व करते हुए जाना है। 41 से डिवाइड करो आप 81 को, 81 को, तो 41 1 जा 41, आपके पास कितना आया? 40। एक बात बताइए, 40 कैसा आ रहा है 41 से? छोटा आ रहा है। छोटा आ रहा है, कितना कम है? 1 कम है। ये वैल्यू इस वैल्यू से 1 कम
कम है, एक कम है तो इसका मतलब इसको सोल्व करके कितना आया हमारे पास माइनस वन। देखो अगर बड़ी आती मान लो यहाँ पे क्या आता 42 आता, मान लो सपोज दैट यहाँ पे 82 होता कंप्लीटली डिवाइड होता तो जीरो आ जाता, ठीक है, ज्यादा होता तो और कुछ भी रिमाइंडर बच सकता था, लेकिन अब छोटी डिजिट आ रही है तो आपको देखना है वो डिजिट इस डिजिट से कितनी छोटी है, जितनी छोटी है वो टर्म माइनस में लिखोगे। सेम इसके लिए होगा माइनस वन इंटू में कितना आ जाएगा मॉड 41, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा आपको 1 इंटू में कितना आ गया मॉड 41, इधर टर्म लिखी हुई है 2 की पावर 20। तो आप क्या कह सकते हो कि रिमाइंडर कितना आया 1 आएगा जब 2 की पावर 20 को डिवाइड किया जाएगा किससे 41 से। तो आप क्या लिखोगे हैंस द रिमाइंडर इज 1 व्हेन 2 की पावर 20 इज डिवाइडेड बाय 41। तो रिमाइंडर कितना निकल करके आएगा 1 निकल करके आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वालों को बताऊं आपको डायरेक्टली कैसे देखना है, देखो 2 की पावर 20 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 41, आप देखिएगा 40 अगर हम ले तो 40 क्या होता है हमारे पास में डिविजिबल होता है 2 से, ठीक है ऑलवेज, लेकिन 1 है तो सीधी सी बात है रिमाइंडर में आप जहां तक भी सॉल्व करोगे सब कुछ तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 1 जो आ रहा है वो एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर आपका क्या बचना है 1 ही बचना है। तो आप डायरेक्ट भी अपना आंसर पुट कर सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए बता रहे, सब्जेक्टिव वाले सोल्व भी करके आएंगे आपको डायरेक्ट नहीं करना, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना। आई होप समझ में आ गया होगा, एक दो क्वेश्चन और करेंगे इस टाइप का तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 340 इज डिवाइडेड बाय 341, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब 2 की पावर 340 को आप डिवाइड करोगे किससे 341 से। तो देखो सोल्व कैसे करना है, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया जो पावर्स है उनको ब्रेक करें, जैसे कि अभी से लास्ट क्वेश्चन में 2 की पावर 20 था तो हमने इसको कैसे लिख दिया 2 की पावर 5 टू द पावर 4 इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है 5 4 20, तो हमें यहाँ पे भी कुछ इसी टाइप से बनाना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 340 तो हमें 2 की मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक कि वैल्यू हमारे पास में अप्रोक्सीमेट किसके पास नहीं आ जाती इस 341 के आसपास नहीं आ जाती। सॉल्व करके देखिए 2 2 4 2 8 2 16 2 32 कितने हो जाएंगे 64 2 आपके पास में कितने आएंगे 128 के अगर आप 2 पे मल्टीप्लाई करोगी तो कितने आ जाएंगे आपके पास में 256 और 256 की अगर आप फिर से 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट 4 या 5 की रेंज में आपके पास वैल्यू जाएगी, जो कि इस 3 से तो क्या हो जाएगा आपके पास में बड़ा ही हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ तक हमारे पास में 256 आ गया, ठीक है, इसके बाद में मैंने कहा अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 2 2 4 तो यानी कि कोई भी वैल्यू आएगी या तो 4 की रेंज में आएगी या 5 की रेंज में आएगी, जबकि हमारे पास में कितना है 341। तो इसका मतलब इसके बाद के 2 तो हमें लेने ही नहीं है, हमें तो सिर्फ इससे पहले तक लेने है। अगर यहाँ तक आप देखो तो यहाँ तक 2 की पावर कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 2 की पावर 8 बैठे थे। आप अगर आप एक चीज देखोगे 2 की पावर 8 और हमें कितनी चाहिए पावर 340, एक बात बताइए क्या 8 से 340 डिवाइड हो जाएगा 8 4 32, यहाँ पे 2 गए 28 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 8 से तो ये डिवाइड नहीं होगा तो 2 की पावर 8 तो हम नहीं ले सकते, चलो इससे कम पे और इससे ज्यादा तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि वो ज्यादा बैठ जाएगा 341 से, हमें क्या लेना है इससे कम पे लेनी है वैल्यू। इससे नीचे क्या आता है 2 की पावर 7, ठीक है, अगर हम 2 की पावर क्या लेते हैं 7 लेते हैं तो उस कंडीशन में देखना क्या 7 से डिविजिबल होगा 340, नहीं होगा। उसके बाद में आप देखो 2 की पावर 6 लेकर के देखो 6 4 24 6 5 30 4 इधर से 40 डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 6 से भी 340 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इससे कम पे आओ कितना आएगा 2 की पावर 5 अगर आप लोगे तो ये बताओ 5 से 340 डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा 5 4 30 5 6 33 इधर गए तो हाँ 4 इधर गए तो 5 8 जा कितने हो जाएंगे 40, यानी कि 5 से 68 टाइम्स जो है 340 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, ये बात आपको समझ में आ गई।
मैंने कहा आपको 2 की मल्टीप्लाई कहां तक करते जाना है, जहां तक 341 की अप्रोक्स में वैल्यू ना जाए। इससे बड़ी वैल्यू आपको नहीं लेनी है, ओनली इससे छोटी वाली वैल्यू तक ही आपको लेना है। तो हमने देखा 2 की पावर 8 आ रहा है उस कंडीशन में, अगर हम 256 तक ले रहे हैं। 2 की पावर 8 है तो 8 की मल्टीप्लाई किसी ऐसे नंबर में करके हमारे पास में क्या आना चाहिए, जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है। भाई अगर 2 की पावर हम 8 ले रहे हैं तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे किसी टर्म में करके हमारे पास में एक्चुअल में कितना आना चाहिए, 2 की पावर 340 आना चाहिए। तो हमने देखा 8 से तो 340 डिविजिबल नहीं है, हमने और कम पे लिया, 7 पे लिया उससे भी डिविजिबल नहीं है, 6 पे लिया उससे भी डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर हम 2 की पावर 5 ले रहे तो 5 से 340 डिविजिबल है। इसका मतलब अगर 2 की पावर 340 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 की पावर 68 इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई 68 में करोगे कितना आ जाएगा, 340 आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आई आपको? अब इसके बाद में आप देखिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो वैल्यू है ये क्या है, बहुत बड़ी है, यानी कि 341 जो है बहुत बड़ी वैल्यू है हमारे पास में। पहले क्वेश्चन में 41 था, 41 बहुत ही छोटी वैल्यू थी, लेकिन 341 क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 341 को ब्रेक करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं 341 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो एक बात बताइए, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 4, 3, 7, 1, 8 ये आपका 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ये आपका 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से ये आपका नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, ये आपका 10 से भी नहीं होगा, 11 से हो जाएगा। देखो 11 3 33, 1 इधर गया, 11 1 11, 31 1 31। अच्छा, इसके क्या आ रहे हैं, ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 11 और 31। इसका मतलब 341 को हम 11 और 31 के प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों किया हमने ऐसा, एक बार तो आप ये वाला फैक्टर लेकर के सोल्व कर लो, एक बार 31 वाला, क्योंकि ये अब हमारे पास में बहुत छोटी वैल्यूज आ गई। अगर हम 341 के अकॉर्डिंग करेंगे बहुत बड़ी वैल्यूज आएंगी, जिस अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे देखो 2 की पावर 340 है, 2 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हैं, इसकी पावर है 68। अब हमें क्या करना होता है, इस 32 को डिवाइड करना होता है 11 से। मैं कहूँ 32 को डिवाइड करो आप 11 से, 11 से इजीली कर सकते हो, 11 2 22। ठीक है, 3 पे चलाओ एक बार, देखो 11 3 कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। 33 हमारे पास में वैल्यू क्या है, 32 से बड़ी है। 33 हमारे पास में वैल्यू कैसी है, 32 से बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो आपके पास में क्या रहा है, एक ज्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है, एक ज्यादा। या फिर चलो डायरेक्ट आपको बताऊं, कभी आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओ, 11 2 22, यहाँ पे आ गया आपके पास में 10। ये बताओ ये जो 10 है ये 11 से कैसा आ रहा है, छोटा आ रहा है, कितना कम है, एक कम है, एक कम है। या आप कह सकते हो कि 11 एक ज्यादा है, कैसे भी ले लो। तो हमने कहा कि 10 11 से कितना है, 1 कम है। अगर ये एक कम है तो क्या लिखोगे आप, -1 मॉड कब, जब हम 11 से सॉल्व कर रहे हैं, और पावर कितनी चल रही है, 68। ठीक है, यहाँ पे पावर को सेपरेट कीजिए, -1 की पावर 68 मॉड लो 11, -1 की पावर 68 क्या हो जाएगा आपके पास में, +1 हो जाएगा, इंटू मॉडलो 11। किसके लिए सॉल्व करके आया, ये 2 की पावर 340 के लिए। एंड अगर हम 2 की पावर 340 लेकर के चल रहे हैं, 32 की पावर 68 लेकर के चल रहे हैं, ये तो हमने 11 के लिए सॉल्व किया। इसका जो नेक्स्ट फैक्टर है वो कितना है, 31। अब मैं कह रही हूँ 31 से डिवाइड करो 32 को, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। 31 से 32 को डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचा, 1। 1 आपके पास में करेक्ट रिमाइंडर बच रहा है, तो इस कंडीशन में 1 आपके पास में एक ऐसा रिमाइंडर है जो कि आप इसके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, समझ रहे बात को। तो ये आपके पास डायरेक्ट रिमाइंडर आ गया, कितना, 1। तो कैसा आया रिमाइंडर, प्लस का आया, तो आप लिखोगे +1 आएगा कब, जब आप मोड लोगे कौन सा, 31 वाला, और पावर कितनी चल रही है, 68। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 की पावर 68 इंटू मॉड लो 31। इस तरीके से यहां से आगे देखिएगा, एक बार आप कह सकते हो 2 की पावर 340 किसके इक्वल आ गया, 1 की पावर 68 कितना होता है, 1 इंटू मॉडलो 31।
इसको राइट कर लीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको राइट कर लेना इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन से आप क्या कह सकते हैं, यहां से देखिएगा फर्स्ट और सेकंड से आप क्या कह सकते हो कि 2 की पावर 340 किसकी इक्वल आएगा, यहां पे भी 1 है यहां पे भी 1 है, मॉडुलो 11 और 31 की प्रोडक्ट लिखोगे आप यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या 341, और 341 कब बन रहा है, जब हम 11 की मल्टीप्लाई किसमें कर रहे हैं 31 में। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि रिमाइंडर क्या आया, 1 आया जब आप 2 की पावर 340 को डिवाइड करोगे किससे, 11 into 31 कितना हो जाएगा 341, या फिर आप लिख सकते हो 2 की पावर 340 किसकी इक्वल है 1 modulo 341। तो आप क्या लिखोगे कि हेंस रिमाइंडर इज वन व्हेन 2 की पावर 340 इज डिवाइडेड बाय 341। जब 2 की पावर 340 को हम डिवाइड कर रहे हैं 341 से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। अब आपको देख लेना, अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू है तो आप उसको ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करके देन सॉल्व कर सकते हो, छोटी वैल्यू है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ में क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट था ये भी, अब नेक्स्ट कराऊंगी वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, शो दैट 24 divides 5 to the power 48 minus 1, यानी कि 24 डिवाइड करता है इस टर्म को। इससे पहले एक बात का ध्यान रखना, अभी जो मैंने पिछले क्वेश्चंस कराए उसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई है, जहां पर मैंने आपको जैसे कि मान लो ये था 32 की पावर समथिंग, यहाँ पे कुछ भी था, उसके बाद ही मैंने आपको लिखाया कि माइनस वन मॉड दिस टर्म या फिर कुछ भी। तो यहाँ पे जब आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, इससे इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू की जगह आप किसका साइन लोगे, कॉन्ग्रुएंस का साइन लोगे, किसका लोगे, कॉन्ग्रुएंट का। ठीक है, और देन उसको आगे सॉल्व करोगे, तो इसको ना थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, बस एक और लाइन ऐसे खींच देना, इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो जल्दबाजी में ध्यान नहीं गया उसको करेक्ट कर लेना। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में कहा है कि आपको शो करके दिखाना है 24 डिवाइड कर रहा है किसको, 5 to the power 48 minus 1 को। अब यहाँ पे मैंने कहा कि जो 5 to the power 48 है, इसका मतलब 5 की पावर्स जो है वो चलती रहेंगी, से 5 multiply 5 multiply 5 कहीं तक भी। अब आपको क्या करना है, देखो आपको वैल्यू कौन से वाली लेनी है, जो पावर वाली है, शो कौन सी करानी है, जो सिंगल टर्म लिखी हुई होगी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने कहा 5 की पावर्स ऐसी चलती जा रही है, तो 5 5 से कितने हो गए 25 अप्रोक्स में आ रहा है किसके, 24 के। ज्यादा करोगे 125 पे चला जाएगा, तो ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी। अब 5 जो है वो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो इसके आसपास कौन सा आ रहा है 25। ध्यान रखना बड़ी हुई छोटी वैल्यू, बट उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लेंगे 5 की पावर कितनी 2। तो इसका मतलब जो हमारे पास में वैल्यू है 5 की पावर 48, उसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 की पावर 2, एंड इसकी होल पावर कितनी आएगी, 2 की मल्टीप्लाई किसमें करें जो 48 आ जाए 24 में, तो 5 की पावर 2 की पावर 24। 5 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं 25 की पावर 24। ठीक है यहां तक तो। अब यहाँ पे देखो हमें सॉल्व किसके अकॉर्डिंग करना है 24 के। मैं कहूँ 24 से डिवाइड कीजिए किसको, 25 को। रिमाइंडर कितना बच रहा है, डायरेक्टली 1 बच रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको इज इक्वल्स टू के साइन को किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, कॉन्ग्रुएंस में। यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किससे 24 से, इनकी 1 modulo 24। पावर कितनी चल रही है 24, पावर ब्रेक करो तो 1 की पावर 24 इंटू में कितना आ गया modulo 24 आ गया। 1 की पावर 24 कितना होता है 1 होता है, तो आपके पास में कितना आ गया 1 modulo 24, और इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा है 5 की पावर 48। ये प्लस 1 इधर आगे क्या हो जाएगा -1, सो इम्प्लाइज दैट 5 to the power 48 minus 1 कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे कितना बचेगा 0 modulo 24। जब ये टर्म इधर चली गई तो यहाँ पे कितना बचा 0 modulo 4। अब ये कंडीशन हमारी क्या कह रही है, देखो मैंने आपको लिखाया था कि a is congruent to b modulo m होता है, अगर हम b को इधर लेकर के आ जाएं तो a minus b congruent to 0 modulo m, इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि दिस टर्म इज डिविजिबल बाय दिस टर्म,
इसमें हम कहते हैं कि बी अगर हम इधर लेकर के जाएंगे तो कि ए माइनस बी अगर डिविजिबल है एम से तभी हम कह सकते हैं ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम और उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात तो एक ही है, तो सेम इसी तरीके से हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो हम क्या कह सकते हैं दिस टर्म यानी कि 5 to the power 48 minus 1 is divisible by किससे डिविजिबल होगी m से और m की वैल्यू कितनी है 24। यही हमें क्या करना था इसमें प्रूव करके दिखाना था, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाल लेना 18, 19, 20, 21, 22 इस तरीके से पूछा गया है आपका प्रीवियस 5 years के अंदर क्वेश्चन, ठीक है, नोट कीजिए इसको, ठीक है जी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, इससे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है अगर आपके पास में बुक है तो उनकी प्रैक्टिस करके देखना, अगर आपसे होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो कोई बात नहीं, आगे के लेक्चर में मैं आपको कराऊंगी और होमवर्क के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूंगी। अभी इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आपको समझ में नहीं आएंगे अगर उनमें से किसी टाइप का आ गया, ठीक है। तो आज के बाद में फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ये वाला जो चैप्टर है आपका चैप्टर 3 ये कंप्लीट कर देंगे और सिलेबस की टेंशन ना ले, मुझे भी उतनी ज्यादा टेंशन है जितनी आपको है, सिलेबस आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो या फिर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।